वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज बहुत अच्छी सी मैं एक टी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टाइम से ये मैसेज आ रहे थे कि हमें कोई ऐसी टी बताइए जो हमारी ब्लोटिंग को कम करे, हमारी सूजन को कम करे, यानी हमारा इंस्टेंट वेट लॉस करे। क्योंकि ये जो सूजन वाला मोटापा होता है, स्वेलिंग वाला मोटापा होता है, काफ़ी गंदा होता है और ये आपको 15 से 20 मिनट में मोटा कर देगा। जैसे इवन अभी आपने कोई ड्रेस पहनी है, आपको स्वेलिंग चढ़ी, आपने कुछ भी ऐसा किया, या फिर आपको थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, हॉर्मोन्स की दिक्कत है, तो आप फूल के बैठ जाओगे और आधे घंटे बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका वेट गेन हो गया है। और ये वेट क्विक जाता है अगर इस टी को आपने लिया। कैसे बनती है, कब लेना है, वो वीडियो में आ गया है, तो पूरा वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस टी को आपने लिया तो आधे घंटे के अंदर आप जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि 80-90 है, वो 7-8 kg वेट लॉस करेंगे, और जो मतलब 50-60 वाले हैं वो 4-5 kg इंस्टेंट आधे घंटे में इस टी से वेट लॉस करेंगे। और कैसे लेना है वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में हैं। साथ ही साथ इस टी को आप नवरात्रि में भी ले सकते हैं, वो मैंने बताया है कि कैसे लेना है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट रिप्लेस करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो में आगे हैं। तो फुल वीडियो और बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। और सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में है, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। करते हुए अपनी दमकों को कम करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पैन चाहिए और उसमें आप 1.5 कप पानी डालेंगे। तो उसमें 1.5 कप जो है वो पानी डालना है। देन उसके बाद आपको 4-5 इसमें आपको तुलसी की पत्तियां डालनी है, वो डाल दीजिए। 4 मैंने डाली हैं और एक दिन में आपको 4 इनफ है। और इसको आप गैस को धीमी कर दीजिए। आप अभी हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करने चलते हैं। हमें एक एलोवेरा की स्टिक लेनी है, मार्केट वाला ना एलोवेरा जेल लेना है ना जूस लेना है, आपको ये लेना है। और आपको इसका पल्प जो है वो निकालना है। थोड़ा सा है ट्रिकी काम, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टी है ये, तो आप देख लो कि इसे कैसे करना है। बहुत ही इजी है, अगर आपको एक बार पता चल गया निकालना तो आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे। और इतने बड़े इसमें बहुत ज़्यादा पल्प नहीं निकलेगा, तो ये पहले इसके जो एजेस हैं वो कट कर लीजिएगा, वरना हाथों में लगने का डर है। इतने से एलोवेरा जेल में सिर्फ इतना ही पल्प निकला है, तो इसलिए मैं इतना ढेर सारा एलोवेरा जेल नहीं। और इसके बाद आपको इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप एलोवेरा पेड़ से तोड़े तो उसे थोड़ी देर रख लीजिए, यानी कि उसका जो वैसा पार्ट है जो एक निकलता है ब्राउन ब्राउन सा, वो जब निकल जाए देन उसके बाद उसे वॉश करिए और उसके बाद कट करिए। जब हल्का सा बबल्स आने लगे देन उसके बाद ये एलोवेरा जेल आपको उसमें डालना है और इसे थोड़ी देर पकने देना है। जब इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएँ तब आपको 4-5 कुटी हुई काली मिर्च डालना है। और इस टी को ऐसे ही पकने देना है, 1-2 मिनट और पकने दीजिए ताकि जो काली मिर्च मैंने डाली है उसके एक्सट्रैक्ट भी इसमें आ जाए। काली मिर्च डालने के 2-3 मिनट बाद मैंने इसे पकाया है और अब ये टी आपकी रेडी है। तो चलिए इसे स्ट्रेन करते हैं और बताते हैं कि इसे कैसे लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। जो आपकी टी है ये रेडी है। आपको इसे सिर्फ नाइट में लेना है, एक टाइम लेना है, क्योंकि रात में बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। और ये जितने भी एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हैं, एलोवेरा जेल, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, आपकी बॉडी को बैक्टीरिया फ्री बनाएगी, इन्फेक्शन नहीं होने देगी,
कब नहीं जब मैं देगी, जिसकी वजह से मोटापा जो चढ़ रहा है वो नहीं चढ़ेगा, चर्बी बहुत तेज़ी से गलाएगी। और एक बार ज़रूर ट्राई करिए, रात में सिर्फ आपको सुबह त्रिफला चूर्ण लेना है, रात में आंवला चूर्ण लेना है, देन उसके बाद ये टी आपको बिफोर बेड लेनी है। एक बार ट्राई करिए और रिजल्ट जैसे भी हो मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर करके बताइए। लेना है कब लेना है सारा वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो, मन में कोई भी आपके क्वेश्चन हो, मुझे मेल कर सकते हैं sugam.amit@gmail.com या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सुगम सनशाइन, या फिर इस वीडियो के नीचे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।